हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज मैं मेरे दोस्तों के लिए बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्लासफुल एड्रेस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, आईपी एड्रेस। तो आज हम देखेंगे कि क्लासलेस एड्रेस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासलेस एड्रेस को डिनोट कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे। उसे डिनोट किया जाता है ये फॉर्म में, एक्स वाई डॉट जेड डॉट टी स्लैश एन। यहाँ पर मैंने यहाँ पर वन लिखा है, जो कि ये होता है हमारा स्लैश के बाद जो भी टर्म्स होता है वो होता है हमारा प्रेफिक्स नेटवर्क आईडी पार्ट होता है। तो क्लासलेस एड्रेस करने के टाइम हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे, कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे। जब क्लासलेस एड्रेसिंग जब हम लोग करते हैं तो उसका लास्ट एड्रेसिंग जो ब्लॉक रहता है वो ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि वो 255 में ही एंड हो, वो कोई भी नंबर में एंड हो सकता है। और दूसरा पार्ट क्या हमारा, इन फिक्स लेंथ सब नेटिंग, अगर कोई फिक्स नेट सब नेटिंग होगा तो उसका जो नंबर ऑफ सब नेट्स होता है वो इन द पावर ऑफ टू होना चाहिए, जैसे कि 2:1, 2:2, 2:3, 2:4, 2:5 वैसे होना चाहिए। ठीक है, देन अभी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हमें फर्स्ट एड्रेस दिया हुआ है ब्लॉक का 167.199.170.82/27। अभी ये डिनोशन से हमें तो पता चल गया कि हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करना है, कि हमें क्लासलेस एड्रेस ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कि हमें क्लासलेस एड्रेस फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाद में क्या बोलते हैं हमें कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एड्रेसेस, कितने एड्रेसेस ब्लॉक में यूज हो गया और उसके लास्ट एड्रेस ब्लॉक के वो हमें बताना है। अभी इसका हम आगे सॉल्व करके हम बताने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, 82 का जो डेसिमल नंबर से हम लोग ने उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया। देन हमें फाइंड आउट करना है कि जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 27 हमारा प्रीफिक्स लेंथ कोड है, तो प्रीफिक्स लेंथ कोड क्या होता है, हमारा नेटवर्क आईडी बिट्स होता है। तो हमें इसमें क्या होता है कि सफिक्स फाइंड आउट करना होता है। तो सफिक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ओवरऑल जैसे कि मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, आईपी एड्रेस टोटल कंसिस्ट करता है 32 बिट्स का। तो 32 बिट्स माइनस ऑफ हमें क्या करना है, प्रीफिक्स जो कि हमारा 27। तो मैंने 32 माइनस ऑफ 27 किया, जो कि हमें आंसर कितना होता है, 5 आता है। तो हमें सफिक्स कितना मिला है, 5 मिला। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ओवरऑल, अभी ये हमें जो 27 मिला, तो 27 को हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पर डिनोशन। तो जैसे हमें दिया जाता है, तो ओवरऑल 27, ओवरऑल आईपी एड्रेस कितना होता है, 32 बिट्स का होता है। तो हम लोग 32 बिट्स में से 27 जो बिट्स है उसे हम लोग 1111 डिनोट करेंगे, जेन बचाओ सफिक्स बिट जो है हमारा 5 उसे हम लोग 0 अज्यूम करेंगे। तो अभी हम 27 का कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये हम लिख रहे हैं 27 के लिए, देन जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं 27 वंस लिखे हैं मैंने, देन 5 जीरोज मैंने एज इट इज यहाँ पर लिखा। देन अभी हमें क्या करना है, एंडिंग कौन से नंबर्स का करना है, हमें ये जो लास्ट के जो बिट्स मिले हमें यहाँ पर बाइनरी बिट्स, उसको हमें एंड करना है। जो 82 का हम लोग ने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया उसके साथ हमें क्या करना है, एंडिंग करना है। क्या करना है हमें, एंडिंग। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 82 बिट्स का 0101010, देन अभी 27 का जो हमें मिला हुआ है वो हम अभी यहाँ पर नीचे लिखकर उसका एंडिंग परफॉर्म करेंगे, 111 देन 0000। अब यहाँ पर हमें देखना है कि एंडिंग कर रहे हैं हम, एंडिंग में कंडीशंस क्या होता है, अगर 00 रहेगा तो हमें 0 वैल्यू मिलता है, 10 रहेगा तो भी हमें 0 मिलता है, सिर्फ 1 कब हमें मिलेगा, जब सेम सेम नंबर होगा 11, नॉट 00 रहेगा तभी भी हमें 0 ही मिलता है। तो अभी यहाँ पर 11 हमें एंडिंग करने पर हमें 1 ही देता है। तो 00 का आ जाएगा हमारा 0, 10 का आ जाएगा हमारा 0, 00 का आ जाएगा हमारा 0, 00 का 0 आ जाएगा, 10 का आ जाएगा हमारा 0, 01 का भी हमें आ जाएगा 0, 11 का हमें आ जाएगा यहाँ पर 1 और 01 का आ जाएगा हमारे यहाँ पर 0। सो जब हम इसे ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे, जब हम इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलता है 64। तो हमें जो आईपी एड्रेस जो हमें फाइंड आउट करने बोला था, नंबर ऑफ एड्रेसेस इन दिस ब्लॉक, वो हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे कि लास्ट एड्रेस ऑफ द ब्लॉक भी फाइंड आउट करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें फर्स्ट एड्रेस ऑफ द ब्लॉक मिला है, हमें 64 फाइंड आउट किया हम लोगों ने जब इसका एंडिंग किया। तो हम लोग 82 के जगह में रिप्लेस करके 64 लिखेंगे, तो हमें फर्स्ट एड्रेस ऑफ द ब्लॉक मिला। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आईपी एड्रेस 32 बिट्स का होता है, हमारा आईपी एड्रेस में से 32 बिट्स में से एक बिट्स ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है फर्स्ट एड्रेस के लिए, तो बचा हुआ बिट्स कितना है हमारा, 31 बिट्स है। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, 64 प्लस 31 जो कि है हमारा
95। तो हम अभी क्या करेंगे यहाँ पर, 95 बिट्स को रिप्लेस करेंगे 64 की जगह में, सो दैट हम लोग लास्ट एड्रेस फाइंड आउट कर सके। अगर आप नॉर्मली मैन्युअली भी कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पर एड्रेसेस ऐड करने होंगे, तो आपको वैल्यूज 95 ही मिलेगा। तो हमें जो लास्ट एड्रेस जो फाइंड आउट करने बोला था यहाँ क्वेश्चन में, तो अभी हम वो इजीली लिख सकते हैं। तो कितना है हमें आंसर, 167.199.170.64 की जगह में हमें क्या लिखना है, 95, 95/27। ये हमारा लास्ट एड्रेस वैल्यूज है। और ये 2^5 कितना होता है हमारा, 32, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि बिट्स जो था हमारा जीरोस कितने थे, 5 थे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया था फिक्स लेंथ सबनेटिंग होगा, तो नंबर ऑफ सबनेट्स कितना होना चाहिए, इन द पावर ऑफ 2 होना चाहिए। उसलिए मैंने यहाँ 2^5 किया है, जो कि हमें आया था 32। तो 32 में से एक एड्रेस ऑलरेडी यूज हुआ, देन 31 से हमने क्या कैसे एडिशन किया, तो हमें 95 मिला। तो ये हमारा फाइनल एड्रेस है, लास्ट एड्रेस। तो आपको ये वीडियो आपने देख लिया कि क्लासेस एड्रेस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और ये जो सम्स है मोस्टली 5 टाइम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर फ्रेंड्स लोग आपके लिए जो ये वीडियो बनाया मैंने, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।